सुकमा पीरंकु अंतिम विदाय हाथरे फूल मनरे कोह नक्सल को गुळीरे टळी पडितवा शहीद को ये हेउची देशर सलाम आ ये थिला छत्तीसगढ़ बीजापुर सुकमा सीमांत रे नक्सल मानंक अतर्कित आक्रमण रे शहीद होइतिवा जवान मानंक प्रति श्रद्धांजलि देवा समय रे सही कोहभरा दृश्य बीरंकु विदाय देवा पई असंभाल भिड़ एपटे जगदलपुर गस्त करी शहीद जवान को प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती गृहमंत्री अमित शाह तांको सहित छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल मध्य उपस्थित अछंती ईआरजी छत्तीसगढ़ पुलिस सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से देश की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम दो मकाम और आगे बढ़े। शहीद को श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर हॉस्पिटल ले चिकित्सित होता जवान मान को भेटी गृहमंत्री अमित शाह एथसहित सीआरपीएफ क्यांप गस्त कर साहा राज्यर सुरक्षा व्यवस्था एवं एनकाउंटर घटनार अनुध्यान गृहमंत्री आसामे चली निजर निर्वाचन प्रचार अभियान कार्यक्रम को स्थगित रखिंट निज बासभवन में छत्तीसगढ़ निरापत्ता परिस्थिति संक्रांत एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजन करते अमित शाह यह बैठक में केन्द्र गृह सचिव अजय भल्ला गुइंदा ब्यूरो निर्देशक अरविंद कुमार गृह विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जोग दीथिला। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आए जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ रहा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। तेबे बीजापुर सुकमा सीमांत जंगल रे शनिवार दिन माओवादी अतर्कित हमलें 22 जन जवान शहीद हो जाते 30 जन जवान आहत हो हॉस्पिटल रे चिकित्सित होती। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।